प्रधानमंत्री ने डिजी धन योजना और डिजी धन व्यापार योजना के विजेताओं को आज सम्मानित किया। महाराष्ट्र की लातूर की रहने वाली श्रद्धा मोहन महनशेट्टी को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला। श्रद्धा ने मात्र 1,590 रुपए का भुगतान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रुपए कार्ड से किया था। श्रद्धा के पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। दूसरा पुरस्कार गुजरात के बैंक ऑफ बड़ौदा के रुपए कार्ड के जरिए 1,100 रुपए के डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले शिक्षक हार्दिक कुमार चिमन भाई प्रजापति को 50 लाख रुपए है। तीसरा पुरस्कार उत्तराखंड में देहरादून के रहने वाले भरत सिंह को मिला। उन्होंने मात्र 100 रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया था। तमिलनाडु के वेस्ट ताम्बरम के जीआरटी ज्वेलर्स ने आईसीआईसीआई बैंक के जरिए सिर्फ 300 रुपए का पेमेंट कर 50 लाख रुपए जीते हैं। उन्होंने इनाम में मिले पैसों को गंगा की सफाई के लिए दान कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलकाता में कहा कि मोदी सरकार ने 3 साल में देश को सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनाया है। राजनाथ ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पर 3 साल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। 3 वर्षों में इस सरकार ने जिस तरीके से काम किया है उसके परिणाम स्वरूप हमारा भारत यह पूरे विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में इमर्ज होकर आया। और लगभग 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद इस सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। जीएसटी को लेकर जो तरह तरह की चिंता व्यक्त की जा रही थी और डीमोनेटाइजेशन को लेकर जो चिंता व्यक्त की जा रही थी, कहा जा रहा था डीमोनेटाइजेशन के बाद इस देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट में लगभग 1.5 से लेकर 2% तक की गिरावट आएगी, लेकिन यह अनुमान पूरी तरह से गलत सिद्ध हुआ है। दूरसंचार विभाग ने देश में 5G की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसे लेकर DoT की 19 अप्रैल को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक होगी। बैठक में 5G सर्विस के रोल आउट को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए दूरसंचार विभाग ने IT मंत्रालय से 200 करोड़ रुपए की फंड की मांग की है। इस फंड से 5G की टेस्टिंग की योजना है। DoT अगले साल 3300, 3400, 3600 MHz स्पेक्ट्रम की नीलामी की योजना भी बना रहा है। इन स्पेक्ट्रम के जरिए 5G सर्विस दी जा सकेगी। 5G नेटवर्क से डेटा ट्रांसफर की स्पीड काफी तेज हो जाएगी। नोटबंदी के बाद काले धन का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन क्लीन मनी Part 2 लॉन्च कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग अब 60,000 नोटिस जारी करने की तैयारी में है। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने 28 फरवरी तक 9,334 करोड़ की अघोषित आय का पता लगाया है। वहीं दिल्ली नोएडा में कई फर्जी कंपनियों पर IT विभाग ने छापेमारी की, जिन पर काले धन को सफेद करने के आरोप है। दोबारा लॉन्च हुए इस ऑपरेशन का मकसद नोटबंदी के बाद पैदा हुए ब्लैक मनी का पता लगाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे पहले 31 जनवरी को ऑपरेशन क्लीन मनी के पहले चरण को लॉन्च किया था, जिसके तहत 17,92,000 लोगों को ऑनलाइन नोटिस भेजा गया था, जिसमें से 9,46,000 लोगों ने विभाग के प्रश्नों का जवाब दिया। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसके बाद से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की काले धन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। देश के करीब 1 करोड़ लोगों के बैंक खातों की जानकारी सेल पर है। दिल्ली पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि 10 से 20 पैसे में लोगों के बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां बेची जा रही है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाली 80 साल की बुजुर्ग महिला के केस की जांच के दौरान पुलिस ने बैंक अकाउंट की जानकारी बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। महिला के क्रेडिट कार्ड से 1,46,000 रुपए उड़ा लिए गए। दिल्ली पुलिस ने गिरोह के मास्टर माइंड पूरन गुप्ता को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सर्च करके पता किया कि इसके पास अभी रेडली अवेलेबल 1 करोड़ कस्टमर्स का डाटा रेडली अवेलेबल है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह को बैंक अधिकारी और कॉल सेंटर्स की मदद से बैंक खातों की जानकारी निकलवाई जाती थी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी से करीबन 20 GB डेटा रिकवर करने का दावा किया है, जिसे उसने कथित तौर से मुंबई के एक सप्लायर से खरीदा था। बेंगलुरु में पूर्व पार्षद वी नागराज के ऑफिस में छापेमारी के दौरान करोड़ों के पुराने नोट बरामद किए गए।
पुलिस की टीम अपहरण के एक मामले में छापेमारी के लिए पूर्व पार्षद वी नागराज के ठिकानों पर पहुंची थी। छापेमारी के वक्त वी नागराज घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने गेट पर लगा ताला तोड़ा, लेकिन घर के अंदर घुसते ही पुलिस की टीम हैरान रह गई। घर में बैन हो चुके 500 और 1000 के नोट भरे पड़े थे। पुरानी करेंसी के अलावा नागराज के ठिकाने से सोना और हथियार भी जब्त हुआ है। शुरुआती जांच में ये रकम 40 करोड़ से 50 करोड़ के बीच बताई जा रही है। फिलहाल नोटों की गिनती जारी है। बेंगलुरु के वार्ड नंबर 26 से वी नागराज और उनकी पत्नी पार्षद रह चुके हैं। 2004 में वी नागराज ने बेंगलुरु की गांधीनगर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। इसी चुनाव में नागराज कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव से महज 500 वोट से हारे थे। वी नागराज के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कल ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसके तहत तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भुवनेश्वर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, जबकि कल एयरपोर्ट से लेकर जनता ग्राउंड में होने वाली बैठक स्थल तक पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। सुबह 10 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। इसके अलावा भुवनेश्वर में कल 2 बजे पीएम मोदी का रोड शो होगा और शाम 5 बजे पीएम जनता ग्राउंड पर पहुंचे। 2 दिनों तक चलने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्तावों के अलावा गरीब कल्याण और अंत्योदय पर भी प्रस्ताव आने की संभावना है। 2 अहम चीजें हैं जो इस भुवनेश्वर में कल से जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उससे जुड़ी हुई है। एक तो एक बैकग्राउंड ये है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित जो हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। तो पार्टी कोशिश कर रही है कि इस जीत का मैसेज, एक लार्जर मैसेज अब पूरे देश में ले जाया जाए, और यही कारण है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश की जो महाजीत हुई है उसका गुणगान किया जाएगा, बल्कि उत्तराखंड और बाकी राज्यों में जहाँ भाजपा सरकार बनाने में सफल रही है, चाहे उत्तर पूर्व में मणिपुर में जहाँ पहली बार उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार बनाई है, गोवा में जहाँ भाजपा की सरकार बनी है, तो कोशिश ये होगी कि जो मोमेंटम मिला है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों से उसको आगे ले जाया जाए। इस साल के अंत में गुजरात में और फिर आने वाले सालों में कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं, तो कोशिश ये है भारतीय जनता पार्टी की कि जो बड़ी जीत मिली है इस बड़ी जीत का मैसेज लार्जर तौर पर पूरे देश में ले जाया जाए। दूसरी अहम बात, जो सिलेक्शन अगर आप देखिए उड़ीसा में क्यों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इससे पहले जो पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा की हुई थी वो केरला में हुई थी। ये वो राज्य हैं जहां पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है, उनका कहीं ना कहीं उनका वजूद उतना मजबूत नहीं है जितना बाकी राज्यों में है। हिंदी बेल्ट से अलग ये वो राज्य हैं जहां भाजपा अपने आप को मजबूत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में 3रे नंबर की पार्टी थी, मगर आज की जो राजनीतिक स्थिति है वहां वो बीजू जनता दल और नवीन पटनायक के खिलाफ एक मजबूत सशक्त दावेदार बन के भारतीय जनता पार्टी उभर रही है। तो कोशिश जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की है वो है कि जब 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा जनादेश लेने जाएं तो न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात जैसे वो राज्य जहां भाजपा मजबूत है उनके भरोसे रहा जाए, बल्कि नए क्षेत्रों में घुसा जाए। यही कारण है कि अमित शाह का जो एक मिशन है, मिशन 115, यानी वो 115 सीटें जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती थी, मगर पार्टी को लगता है कि थोड़ी मेहनत करके और रणनीति के सहारे इन नई 115 सीटों को अगले लोकसभा में जीता जा सकता है। उड़ीसा उनमें से एक राज्य है जहां वो बड़ी संख्या में सीटें हैं। तो कोशिश ये होगी कि 2019 की जो तैयारी है वो इन राज्यों के माध्यम से की जाए। यही कारण है कि उड़ीसा को बहुत ही डेलिकेटली और बहुत ही रणनीति के तहत चुना गया है। वहाँ जो प्रधानमंत्री का एंगेजमेंट है उसके तहत भी तमाम वो जो 1817 के जो विद्रोह हुआ था उसके परिवार से वो मिलेंगे, एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि उड़ीसा के इतिहास से वो जुड़े हुए हैं। और राजनीतिक तौर पर भी एक अहम चीज और जो वहाँ पर होगी कि 13 राज्यों से मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं और खास तौर पर नजरें जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर होगी। तो पंचायत चुनाव जो हाल में हुए थे उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर जरूर एक बेचैनी है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रबल दावेदार के तौर पर वहां उभर रही है। इससे पहले कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में थी, मगर आज के हालात में भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में एक विपक्ष के तौर पर, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी के सामने खड़ी हो रही है।
हाल ही में जब संसद का सत्र चल रहा था तो देखने को आया कि तथागत सरस्वती जो बीजेडी के एमपी हैं उनके बीच और जय पांडा के बीच जिस तरीके के ट्विटर पे ट्विटर वॉर हुआ उससे भी साफ है कि बीजेडी के अंदर सब कुछ दुरुस्त नहीं है। हमारी जानकारी भी यह है कि बीजेडी के लगभग कई सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, मगर चूंकि उड़ीसा में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही 2019 में होने हैं, ऐसे में पार्टी नहीं चाहती है कि इस वक्त ही जो मोमेंटम है उसको पीक पे ले जाया जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेडी को तोड़ने की जरूर रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, मगर कोशिश ये हो रही है कि 2019 में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के पहले ये किया जाए। इस वक्त जो पूरी कोशिश है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक प्रबल दावेदार के तौर पर, विपक्षी दावेदार के तौर पर बीजेपी को वहां खड़ा किया जाए। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहां होगी तो एक बड़ा मैसेज मीडिया के माध्यम से, वर्कर्स के माध्यम से, आम लोगों के बीच, एक प्रधानमंत्री का वहां दो दिन तक रहना, अमित शाह का रहना, 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भुवनेश्वर में और उड़ीसा में दो दिनों तक रहना, इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा और कोशिश ये होगी कि भाजपा को एक प्रबल दावेदार के तौर पर उड़ीसा में स्थापित किया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। दीक्षा भूमि में पीएम मोदी ने आधार पे समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान के जरिए अम्बेडकर ने हर वर्ग के विकास का मौका दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब ने जीवन भर जहर पीते पीते सबके विकास की बात की। शिवजी को जब उनकी महानता की चर्चा सुनते हैं तो कहते हैं जहर पी लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन में हर पल जहर पीते पीते भी हम लोगों के लिए अमृत वर्षा। पीएम ने कहा कि 2022 में आजादी के 75 साल के वक्त सबके पास घर हो और हमें देश के लिए जीने का मौका मिला है। 2022 जब आजादी के 75 साल हो तब मेरे देश के गरीब से गरीब का अपना घर, भीमराव अम्बेडकर ने जिस सपनों को लेकर के संविधान में रचना की है उन संविधान को जी करके दिखाने का अवसर आया है। हम 2022 के लिए संकल्प करें, कुछ कर गुजरने का इरादा लेकर के चल पड़े। मैं मानता हूँ ये सपना पूरा होगा, मैं महाराष्ट्र सरकार को बधाई देता हूँ। पीएम ने नागपुर में एम्स, IIM और IIIT की आधारशिला रखी, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई परियोजनाओं की शुरुआत की। यूपी के लखनऊ में भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित डिजिधन मेले में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना होगा। सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा कि आर्थिक भ्रष्टाचार रोकना है तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान आम जनता ने पीएम मोदी का साथ दिया। इसके अलावा योगी ने कहा कि यूपी में IT पार्क बनाएंगे। और आर्थिक कदाचार को रोकना है तो डिजिटल पेमेंट उसका सबसे अच्छा एक अवसर हम सबके सामने है। ये 100वां डिजिधन मेला है। देश के अंदर आज 100 स्थानों पर इस प्रकार के डिजिधन मेले आयोजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी अब तक कई महानगरों में इस प्रकार के आयोजन संपन्न हो चुके हैं, जिसके माध्यम से आम जनमानस को इस व्यवस्था के माध्यम से जोड़ करके भ्रष्टाचार मुक्त एक व्यवस्था देने का प्रयास हो रहा है। बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ धनाधन एक्शन ले रहे योगी आदित्यनाथ अब पीएम की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की आज 126वीं जयंती थी। इस मौके पर पूरे देश भर में बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कई राजनीतिक दलों के नेता भी उपस्थित थे। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी, साथ ही यूपी के लिए कई अहम ऐलान भी किए। सीएम ने कहा कि महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि पर स्कूलों की छुट्टियां बंद होंगी। योगी ने कहा कि ऐसे मौकों पर स्कूल खोलकर महापुरुषों के बारे में बताने का काम किया जाए। योगी ने कहा कि 22 करोड़ लोगों की सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। दलित गरीब यूपी सरकार की प्राथमिकता है और गरीब दलितों को आवास, दलित छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। इस मौके पर योगी ने यह भी कहा कि दिसंबर तक यूपी के 30 जिलों को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य है, जबकि 2018 तक पूरे यूपी को खुले में शौच मुक्त किया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा आर्थिक समानता, सामाजिक समता और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए
इस देश के गरीबों, वंचितों, दलितों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सम्मान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है। बाबा साहब के जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नागपुर पहुंचे, पवित्र दीक्षा भूमि पहुंचकर दर्शन किए और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी में पिछली सरकारों के दौरान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी परियोजनाओं को लेकर सीएजी ने अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। यूपी में मायावती और अखिलेश राज के दौरान महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर सीएजी ने अपनी नजर टेढ़ी कर ली है, जिसके बाद गाजियाबाद के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जीडीए के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सीएजी ने 57 प्रोजेक्ट्स की डिटेल 54 लाख से लेकर 968 करोड़ की 6 लेन एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट्स की डिटेल रिपोर्ट तलब की है और किस कंपनी को कब और कितनी कीमत में दिए ये प्रोजेक्ट, उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी की भी जानकारी मांगी है। इतना ही नहीं, सीएजी ने पूरी पेमेंट स्केड्यूल की डिटेल भी मांगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी परियोजनाओं को लेकर लगातार एक्शन ले रहे हैं। पिछले सरकार की कई बड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच कराने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार से सीएम सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर सकती हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 27 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट का जायजा लिया था, जिसके बाद ही सीएम ने रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में देरी और अनियमितताओं की न्यायिक जाँच के आदेश दिए थे और कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का लोकार्पण 16 नवंबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। अखिलेश सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर 1467 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 1513 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था, लेकिन अब भी 950 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है। योगी सरकार ने इस पूरे रिवर फ्रंट परियोजना का निरीक्षण करने के बाद पाया कि इस मामले में जाँच जरूरी है। योगी सरकार फुल एक्शन में है। वर्षों से लंबित पड़ी परियोजनाओं को टारगेट देकर उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर दोहराया है यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक 15 जून तक यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। इस मौके पर उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जिस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और विपक्ष के हमारे साथियों को करारी पराजय का सामना करना पड़ा, वो अभी पराजय स्वीकार नहीं कर पा रहे। हमारी सरकार काम करना शुरू किया है और हर क्षेत्र में प्रगति भी है, हर क्षेत्र में लोगों का विश्वास भी जगा है और लगातार प्रयास रहेगा। सबसे पहला प्रयास हम भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएं। पैसा वही है जो बजट में हर वर्ष रहता था। तय किया गया कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि अगर किसी भी योजना में सरकारी पैसे का गबन किया जाता है तो ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर जयंती के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती वापस दलित राजनीति की ट्रैक पर लौटती दिखी। इस दौरान मायावती ने अपने छोटे भाई आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया। अंबेडकर जयंती पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीएसपी के समर्थकों को संबोधित करते हुए मायावती गहरे सियासी असमंजस में दिखी। एक तरफ उन्होंने बीजेपी के खिलाफ किसी भी दल के साथ हाथ मिलाने के संकेत दिए तो दूसरी तरफ मुस्लिमों की तरफ झुकाव के आरोपों पर सफाई भी दी। मायावती ने दलितों और पिछड़ों को भरोसा दिया कि वो यूपी को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगी। जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवित रहे तो तब तक इनके पुरखों ने भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्तों में किस्म किस्म के रोड़े पैदा किए हैं, ताकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने इन दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा ना कर सके। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा अपने छोटे भाई आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाना दलितों को रिझाने के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से एसपी नेता शिवपाल यादव ने मुलाकात की। दिल्ली में देर रात दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। शिवपाल अमित शाह के आवास पर मिलने आए थे। दोनों की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
जब से समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता से बेदखल हुई है और समाजवादी पार्टी के कुनबे में पूरी तरह से झगड़ा चल रहा है, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव रोजाना नए नए कारनामे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मुलाकात की थी और उसके बाद कल देर रात वो दिल्ली पहुंचे और हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि दिल्ली आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई और कानो कान इस बात की भनक किसी को नहीं लगी। सुबह के वक्त हमारे जो सोर्सेस हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के अमित शाह हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और कहीं ना कहीं अपने आप को वो यादव लैंड में स्थापित करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से भी कुछ दिन पहले मुलाकात की थी, लेकिन योगी ने साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है उसका रास्ता दिल्ली से तय होता है, तो उसी रास्ते की तलाश में शिवपाल सिंह यादव अमित शाह के घर पहुंचे थे। हालांकि शिवपाल सिंह यादव से मैंने फोन पर बात की तो उन्होंने ये कहा कि उनकी अमित शाह से कोई मुलाकात नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा लेकिन भविष्य में अगर मुलाकात होती भी है तो इसके पीछे हर्ज क्या है। दो राजनेता आपस में मिल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब यूपी के चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा था समाजवादी पार्टी के कुनबे में। इसके अलावा बीजेपी पर भी लगातार वार कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव। ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात अमित शाह से हुई है तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे जो सोर्स हैं वो लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको वो शिवपाल सिंह यादव को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं, इसलिए भविष्य की राजनीति की तलाश में कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव जगह जगह जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी में अगर उन्होंने आकर दरवाजा खटखटाया है तो देखना होगा कि बीजेपी शिवपाल सिंह यादव को किस तरह से कंसीडर करती है।